नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, फेस है आज 2 अप्रैल शनिवार। राजस्थान की टॉप 8-10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश विदेश की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि यूक्रेन पर हमले का आज 38वां दिन। यूनेस्को का दावा, जंग में 50 से ज्यादा ऐतिहासिक इमारतों को हुआ नुकसान। रूस ने ओडेसा शहर में दागी 3 मिसाइलें। रूस यूक्रेन जंग का आज 38वां दिन है। इसी बीच यूनेस्को ने एक बड़ा दावा किया है कि रूस के हमलों में अब तक 53 यूक्रेनी ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया है। इनमें 29 धार्मिक स्थल और 16 ऐतिहासिक इमारतें, 4 संग्रहालयों और 4 स्मारकों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही आपको बता दें कि रूसी विदेश मंत्री से मिले पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने हिंसा खत्म करने की अपील की है। पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद 40 मिनट चली बात। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार शाम रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से मुलाकात की है। पीएमओ की ओर से जारी बयान के मुताबिक लावरोव ने उन्हें यूक्रेन में सदरे शांति वार्ता सहित वहां के हालात के बारे में जानकारी दी है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने हिंसा की खत्म करने की अपील की है और उस अपील को दोहराया है और कहा है कि भारत शांति चाहता है। रूसी हमले के खिलाफ स्टैंड लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच पीएम और लावरोव की मुलाकात करीब 40 मिनट चली। ये मुलाकात इसीलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि हाल ही में ब्रिटेन, चीन, ऑस्ट्रिया, ग्रीस और मेक्सिको सहित कई देशों के मंत्री और सलाहकार भारत दौरे पर आ चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने किसी से भी मुलाकात नहीं की है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन जंग में भारत की भूमिका अहम माना जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच भारत की मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि बड़ी खबर, सरकारी एजेंसियों का पीएम कर रहे हैं मिसयूज। डोटासरा बोले, केंद्र सरकार ने 15 महीने तक किसानों को खून के आंसू रुलाया है। 8 साल में केंद्र सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। प्रधानमंत्री सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर केवल सत्ता पर काबिज रहने और सत्ता हत्याने का काम कर रहे हैं। 15 महीने तक किसानों को खून के आंसू रुलाने के बाद भी उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये बात सीकर में अभिभावक संघ के सम्मान समारोह में पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से रूबरू होते कही है। डोटासरा ने कहा है कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो पाना ही मुश्किल हो चुकी है। बात करें राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर, डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर कांग्रेस चिंतित। 52 लाख सदस्यों का लक्ष्य अब तक 6.5 लाख ही बना पाए। मंत्रियों, सीएम सलाहकारों और प्रभारियों के क्षेत्र में हाल बेहद खराब। राजस्थान में डिजिटल सदस्यता अभियान के तहत कांग्रेस माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई हैं। अभियान में 31 मार्च तक 52 लाख मेंबर जोड़ने का लक्ष्य था, जो कि 6 लाख तक पहुंचा है। बात करें राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत ने पुलिस महकमे में हस्तक्षेप को लेकर नेताओं को दी नसीहत। पुलिस को सुनाई खरी खरी, का कानून का राज होना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने एक बार फिर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। गहलोत ने कहा है कि कोरोना की मार से अभी लोग पूरी तरह से उबरे ही नहीं हैं, कि अब महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया है। इसी दौरान सीएम ने कानून व्यवस्था को लेकर भी पुलिस को खरी खोटी सुनाई है, साथ ही नेताओं को पुलिस महकमे में हस्तक्षेप करने पर नसीहत दी है। जोधपुर में शुक्रवार को कहा है कि जिस गति से महंगाई बढ़ रही है उसने अपनी हदें पार कर ली है। हमने बजट में भी कई प्रावधान किए जिससे लोगों को राहत मिल सके। पहले पेट्रोल डीजल के दाम घटे थे, लेकिन केंद्र सरकार को देख लो, चुनाव खत्म होते ही हर दिन पेट्रोल डीजल के नए दाम बढ़ रहे हैं, जिससे महंगाई लगातार बढ़ रही है। केंद्र सरकार को इस पर सोचना चाहिए। इसी दौरान सीएम गहलोत ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने कहा, सरकारी दस्तावेजों में मां का नाम लिखने की मनाही नहीं है। सरकारी दस्तावेजों में मां के नाम कॉलम नहीं होने के मामले में केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश किया है। केंद्र सरकार ने शपथ पत्र में कहा है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट सहित अन्य सरकारी दस्तावेजों में मां का नाम लिखने की अनुमति है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, तीखो तावड़ो जिलों में 17 जिलों में लू का अलर्ट। करौली और धौलपुर में सबसे गर्म जिला रहा है। राजस्थान में गर्मी से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है लू को लेकर। प्रदेश के अधिकतम जिलों में ये लू बजने वाली है। आपको बता दें कि डूंगरपुर, राजस्थान की बांसवाड़ा, झुंझुनू, कोटा, बूंदी, जयपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर जिलों में कहीं कहीं पर उष्ण लहर को लेकर येलो अलर्ट है। वहीं पश्चिमी राजस्थान की बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, नागौर, पाली और चूरू जिलों में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर से अति उष्ण लहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बात करें राजस्थान नहीं, देश विदेश की अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि 253 रुपये मांगा हुआ कमर्शियल सिलेंडर, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें इस तरह है। हालांकि आप वाला जो घरेलू गैस ही है, बाकी कमर्शियल आपका नहीं है। देश भर में आम आदमी के लिए घरेलू गैस सिलेंडर होते हैं,
और कर्मेसिल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ी है, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें नहीं बढ़ी है। कर्मेसिल गैस सिलेंडर की कीमत आपको बता दें कि 253 प्रति टंकी महंगा हुआ है। हालांकि राजस्थान की जनता को सबसे बड़ा झटका मिला है। देश भर में आपको बता दें कि महंगाई के बीच ग्राहकों की जेब और असर पड़ने वाला है। तेल कंपनियों की मासिक समीक्षा बैठक के बाद 19 किलो के कर्मेसिल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गहलोत सरकार ने 210 योजनाओं को दी स्वीकृति, आज से मिलेगा लाभ। बजट घोषणा के बाद गहलोत सरकार ने लगातार सवालों के घेरे में है। घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रही थी कि सरकार ने बजट में लक्ष्यदार घोषणा तो कर दी है लेकिन ये धरातल पर नहीं उतरेगी। विपक्ष के इन आरोपों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 210 योजनाओं को स्वीकृति दी है। इनमें से कुछ प्रमुख घोषणाओं का लाभ 1 अप्रैल यानी कल से प्रदेशवासियों को मिलना शुरू हो गया है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके जानकारी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल ट्वीट करके कहा है कि विपक्ष के लोग प्रदेशवासियों को गुमराह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बजट लागू कैसे होगा, लेकिन बजट 2022-23 की अनुपालना में आज तक 210 घोषणाओं की स्वीकृति की जा चुकी है। इनमें से कुछ प्रमुख घोषणाएं निम्न है जिनका लाभ कल से मेरे प्रदेशवासियों को मिलेगा, ये बजट ऐसे ही लागू होगा। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, निजी सरकारी अस्पतालों में आज रहेगा शटडाउन, मरीजों की बढ़ेगी मुश्किलें। राजस्थान के मरीजों की शनिवार से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। निजी और सरकारी अस्पतालों में शटडाउन रहेगा। निजी अस्पतालों में ओपीडी आईपीडी भी बंद रहेंगी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऑफ डॉक्टर ने यह निर्णय किया है। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहेंगी। दौसा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में डॉक्टर संगठन लामबंद हो गए हैं। दौसा में महिला डॉक्टर अर्षा शर्मा की आत्महत्या का मामला अब और गर्मा गया है क्योंकि आपको बता दें कि आज निजी और सरकारी अस्पताल दोनों शटडाउन रहने वाले हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सरकारी अस्पतालों में फ्री सेवाओं का पहला दिन कल। कोटा जिले में लोगों को 10 लाख रुपए की बचत हुई है। डॉक्टरों को रोजाना दिखाने आते हैं 22,000 मरीज। सीएम की बजट घोषणा के तहत 1 अप्रैल से सरकारी अस्पतालों में भी सभी सेवाएं फ्री होने के बाद शुक्रवार को पहले दिन कोटा जिले में मरीजों की 10 लाख रुपए की बचत हुई है। न ओपीडी न आईपीडी शुल्क देना पड़ा और न ही जांचों के लिए कोई चार्ज वसूला गया। अलबत्ता अब बता दें कि पहले दिन कई सारी दिक्कतें भी आई हैं जिन्हें लेकर अस्पताल अध्यक्षों ने सरकार से मार्गदर्शन मांगा है। बात करें राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की, आपको बता दें कि 1 अप्रैल की रात 12 बजे से धारा 144 लागू। जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने शुक्रवार देर शाम को एक आदेश जारी कर 2 अप्रैल को जिले भर में धारा 144 लागू की है। ये आदेश 1 अप्रैल की रात 12 बजे से आगामी आदेश तक जारी रहेंगे। बात करें राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की, बड़ी खबर चुनावी मोड़ में बीजेपी। एसटी सम्मेलन आज 7 जिलों की 39 सीटों को सीआर कैटेगरी में रखकर बनेगी रणनीति। राज्य विधानसभा के चुनाव अगले साल दिसंबर में होने वाले हैं लेकिन भाजपा यहां पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। शुरुआत 2 अप्रैल को सवाईमाधोपुर में एसटी विशिष्ट जन सम्मेलन से हो रही है। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिरकत कर रहे हैं। भाजपा यहां मजबूत रही है लेकिन पिछले चुनाव में 7 जिलों की 39 सीटों में से सिर्फ 4 सीटें ही जीत पाई थी। इसको देखते हुए भाजपा ने पूर्वी राजस्थान में अपना खोया वजूद एक बार फिर से पाने की चार कैटेगरी रणनीति बनाई है। इस सम्मेलन के जरिए आदिवासी समाज को साधने की कोशिश की जा रही है। ये थी राजस्थान के आज की टॉप 8 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई बड़ी खबरों के साथ।